हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय चैनल अली ए टू जेड इंग्लिश। एज वी हैव फिनिश्ड सम ग्रामर, जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ ग्रामर पढ़ी हुई है पिछले प्रीवियस वीडियोस में, तो आज का जो वीडियो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अब हम आज जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स नेम इज सिंथेसिस। सिंथेसिस, व्हाट इज द सिंथेसिस? सिंथेसिस होती क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिंथेसिस कहते हैं इसको। तो सिंथेसिस एज इट्स रिटन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ न्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। इट मींस हम दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को लेके एक नया वाक्य बनाते हैं, और ये जो नया वाक्य होता है ये या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कई सारे वाक्यों को मिला के एक नया वाक्य बनाना ही कहलाता है सिंथेसिस। इसे हिंदी में इसको संश्लेषण कहते हैं। तो ये सिंथेसिस है। तो सिंथेसिस में जो हम सेंटेंस हमको जो मिलते हैं वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस की, हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, मीन्स आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस हाउ विल वी फ्रेम अ न्यू सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल साधारण वाक्य को लेके एक नया सिंपल यानी साधारण वाक्य को कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। अब वो मेथड कितने हैं? एटलीस्ट 8 नियम ऐसे हैं जिनके द्वारा आप दो या दो से अधिक साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये नियम कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी कि पहला जो नियम आपका होगा उसमें आप पार्टिसिपल का यूज करके एक नया सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पार्टिसिपल, अब यहां पे बात आती है कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल जो है एक नॉन फिनिट वर्ब होती है, ठीक है। अब पार्टिसिपल जो होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आपकी होती है पास्ट पार्टिसिपल, और एक आपकी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन पार्टिसिपल्स होती हैं जिनके यूज से हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के। तो पहला मेथड जो हमारा होगा वो होगा यूज ऑफ पार्टिसिपल। चलिए देखते हैं कि पार्टिसिपल को यूज करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं पार्टिसिपल, पहली है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होती क्या है, किसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एडिंग आईएनजी। इट मींस कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, इससे जो वर्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे टर्निंग हो गया, जैसे वॉच से वॉचिंग हो गया, सी से सीइंग हो गया, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब होती है उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे हमने कहा लॉस्ट पेन या लॉस्ट बुक, ठीक, या डिफीटेड किंग, डिफीटेड किंग वॉज वीपिंग, लाइक दिस। तो यहां पे जो डिफीटेड है ये क्या है, यह है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग यूज करते हैं, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे जो हमको वर्ड मिलता है वो कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तीन तरीके से काम करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक चीज और है, जब हम आपको आगे जीरंड बताएंगे, एक वर्ड आएगा ना जीरंड से, जीरंड कभी यूज आएगा, तो जीरंड और
पार्टिसिपिल, पार्टिसिपिल इतना ध्यान रखना है आपको कि जो पार्टिसिपिल होता है वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है और जो आपका जेरंड होता है वो नाउन का काम करता है, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा है यूज ऑफ पार्टिसिपिल। तो पार्टिसिपिल का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपिल का। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। देखते हैं यहां पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस ये कि ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे, ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे। अब देखिए पहली चीज पार्टिसिपिल का यूज हम कहां पे करते हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब दोनों या जितने ये तीन हो या दो हो सेंटेंस, उनका जो कर्ता हो, कर्ता में सब्जेक्ट वो कॉमन हो, उनका जो सब्जेक्ट हो कैसा हो कॉमन। तो इनका सब्जेक्ट आपका कैसा है कॉमन है, क्योंकि इसमें भी ही सब्जेक्ट है और इसमें भी ही है सब्जेक्ट है, तो ये हो गया कॉमन सब्जेक्ट। दूसरी बात क्या देखेंगे, दोनों की वर्ब को देख के ऐसा लग रहा है कि काम एक के बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ है, इसीलिए आपस में जुड़े हुए हैं। पहला देखिए वर्ब देखते हैं सॉ, पहला काम हुआ है देखने का और दूसरे में देखिए क्या हुआ है रैन भागने का, दोनों का कर्ता ही है, कर्ता सेम है और जो दो वर्ब है इनको देख के ऐसा लगता है कि एक के पश्चात तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है और इस तरीके से ये दोनों आपस में वर्ब जुड़ी हुई है, ठीक। तो इनको ट्रांसलेट यानी कि इनको बनाने का कॉम्बिनेशन का नियम इसका क्या है कि जो कार्य पहले हुआ है, मतलब जो वर्ब पहले है, जो काम पहले हुआ है उसकी वर्ब को आप पार्टिसिपल में चेंज कर दें और जो काम बाद में हुआ है उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब रहने दें, ठीक है। चलिए देखते हैं ये है सॉ। तो आपने देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो जब सॉ की आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या बनेगी सी, और उस सी में जब आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सीइंग, ये हो गया सीइंग द टाइगर ही रैन अवे, ही रैन अवे, यानी कि जो दूसरी वर्ब है उसको हम फाइनाइट वर्ब वैसी की वैसी बनी रहने देंगे, अब जो दूसरे वाक्य में जो वर्ब है उसको हम फाइनाइट रखेंगे और क्योंकि वो काम हुआ है बाद में और जो काम पहले हुआ है उसकी वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे पार्टिसिपल में चेंज कर दें। और देखते हैं सेंटेंस, अब ये वाला दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है आई हर्ड द नॉइस, फिर है आई केम आउट। वैसे तो सिंथेसिस में ऐसा कोई खास नियम नहीं दिया हुआ होता है कि कौन सा नियम आप कहां पे यूज करेंगे, ये आपके सेंटेंस के अर्थ के अनुसार जो नियम सुइटेबल होता है वो हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम कुछ अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि अगर इनका अर्थ आप हिंदी में निकालें, ठीक है, तो उसके आधार पर हम मोटे मोटे तौर पर कुछ नियम बनाए हैं, हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम कौन सा नियम कहां पे यूज करेंगे। अब जैसे पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करने का नियम, तो आपने क्या देखा कि एक तो इसका कर्ता कॉमन हो गया, आई यहां भी कर्ता है और आई यहां भी है सब्जेक्ट, एक चीज प्रिय हो गई, और दूसरी की वर्ब हमने देखी हर्ड मतलब सुनने का काम हुआ है और केम मतलब आना ये काम हुआ है, तो हर्ड मीन्स सुनना, आई हर्ड द नॉइज मैंने शोर सुना, आई केम आउट मैं बाहर आ गया। तो पहले काम क्या कौन सा हुआ है सुनने का, बाद में काम हुआ है बाहर आने का, तो जो काम पहले हो गया हो उसकी वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और जो काम बाद में हुआ है उसकी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब ही रहने देंगे, ठीक है। कैसे, हियरिंग द नॉइज आई केम आउट, शोर सुनकर मैं बाहर आ गया। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। ये आपका था प्रेजेंट पार्टिसिपल, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल की। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस आप देखिए लिखा हुआ है द आर्मी वॉज डिफीटेड, यानी कि आर्मी को डिफीट किया गया, पराजित किया गया। द आर्मी रैन, द आर्मी रैन अवे, और जो आर्मी थी जो सेना थी वो भाग गई, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे,
वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल हम वहां भी यूज करेंगे जहां पे एक काम के खत्म होने के बाद में दूसरा काम हुआ है और दोनों के बीच में काम को हुए थोड़ा सा अंतर हो गया है, ठीक है। अब जब आर्मी वॉज डिफीटेड, जब आर्मी पूरी तरह से हरा दी गई, पराजित कर दी गई, जो वर्क हो रहा था उसके ऊपर, जो काम हो रहा था हराने का, वो फिनिश हो गया, यानी कि उसको हरा दिया गया, द आर्मी रैन अवे, वो क्या हो गई, भाग गई सेना। अब इसको हम कैसे भी बनाएंगे कॉम्बिनेशन, इसका क्या रहेगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द डिफीटेड आर्मी, द डिफीटेड आर्मी रैन अवे, यानी हारी हुई पराजित जो सेना थी वो भाग गई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कौन से पार्टिसिपल की, परफेक्ट पार्टिसिपल की, ये तो हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के बाद में हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। ये था पास्ट पार्टिसिपल में जब दोनों वर्ब्स के बीच में काम हुए थोड़ा सा अंतर हो गया, जैसे आपने कहा कि आई फाउंड माई बुक, हम पास्ट पार्टिसिपल का एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, और दूसरा है द बुक वॉज स्टोलन, आई फाउंड माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई, द बुक वॉज स्टोलन, और किताब जो थी वो क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी, किताब चोरी हो गई थी। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, ये लॉस्ट बुक, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मतलब कोई भी किताब मुझे मिल गई, ठीक है। अब ये बचता है आपका है परफेक्ट पार्टी, इसमें देखते हैं, ये सेंटेंस लिखा हुआ, ही टुक हिज बुक, ही वेंट टू स्कूल। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसको हम वहां भी यूज करेंगे जब दोनों सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना खाया, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, चला गया, ठीक है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करने के लिए जरूरी है कि पहला जो काम है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल, यानी उसने अपना खाना खाया, इसका मतलब जो खाने को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, खाना खाने के पश्चात वो स्कूल गया, ठीक है। तो हम इसको किस में ले जाएंगे, इसको हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में अभी हमने आपको बताया था कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वही नियम सेम कि जो वर्ब पहले हुआ है उसकी वर्ब को हम किस में पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, और जो वर्ब बाद में हुआ है उसको हम फाइनाइट रहने देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, हैविंग अप टू का टेकन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म जो कि होता है, सो हैविंग टेकन इज फूड, ही वेंट टू स्कूल, हैविंग टेकन हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल, यानी अपना खाना खत्म करने के पश्चात वो स्कूल चला गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि ही रेज्ड हिज गन, एक सेंटेंस हुआ, फिर है ही टुक एम, दूसरा सेंटेंस हुआ, अब तीसरा सेंटेंस एक और हम लिख रहे हैं, ही शॉट द टाइगर। अब इसमें हमने तीन सेंटेंस लिए, पहले में देखिए क्या हो रहा है, ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई, ही टुक एम, उसने निशाना साधा, और फिर है ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर के ऊपर गोली चला दी, उसने टाइगर को गोली मार, तो इसमें तीन काम हो रहे हैं, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, बंदूक को उठाने का, दूसरा क्या हो रहा है, निशाना साधने का, और तीसरा क्या हो रहा है, गोली चलाने का, ठीक है। तो जो काम सबसे पहले फिनिश हुआ है उसकी वर्ब को किस में चेंज करेंगे, पार्टिसिपल में, वेरी गुड, और उसके बाद में जो काम बाद में हुआ है उसकी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो ही रेस्ड हिज गन, देखिए काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, बंदूक उठा चुका, जो एक्टिविटी कर रहा था फिनिश हो गई, उठा चुका बंदूक,
अब उठाने के बाद में वो ही विल टेक द एम, यानी इसके बाद में वो ये वर्क करेगा, ये वर्क एक्टिविटी करेगा। तो हम इसको ले जाते हैं किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में, यानी कि क्या हो जाएगा, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, इसको भी हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज किया, having raised his gun and taken aim, he shot the tiger। ठीक, अब ये जो वर्ब थी लास्ट वाली शॉट, उसको हमने फाइनाइट वर्ब रहने दी, पहले वाले को और दूसरे वाले को हमने किसमें, पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। तो ये थी आपकी पहला नियम, यानी कि सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना, और उसमें जो आठ मेथड हैं उसका भी पहला मेथड था यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल का यूज करना। तो ये था आपका पहला नियम। ऐसे ऐसे भी सात मेथड और हैं जिनके द्वारा आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को यूज करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो रूल्स बचे हुए हैं, बाकी के जो मेथड्स बचे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो के देखने के बाद इसको कमेंट से हमको बताइए और लाइक करिए इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।